सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तवांग। सुबह के बज रहे हैं, टाइम दिखा दे भाई, 6:10। हाँ, और अब चल रहे हैं हम लोग बुमला पास की तरफ। और ये है नज़ारा सुबह सुबह यहाँ 6 बजे का। देखो दोस्तों, वो बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं। अभी तो आधे बादल के अंदर ढके हुए थे, बहुत ही बढ़िया व्यू था। अब यहाँ से फटाफट निकलेंगे बुमला पास की तरफ। रात भर बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। फटाफट बुमला पास की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या नज़ारा है वहाँ का। तो दोस्तों, निशांत भाई ने लिफ्ट दे दिया है एक लेडी को नीचे तक छोड़ने के लिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं निशान भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। हाँ, देखना ध्यान से गिर ना जाए, पीछे टॉप बॉक्स नहीं आया। हाँ, बहुत बढ़िया। भाभी को भेजूंगा मैं, ये देखो ऐसे पकड़ के लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब वीडियो बना ली मैंने। और यहाँ से हमें मिला है पास, जो इनके पास रखवा दिया था गेट पे, क्योंकि रास्ते में ही ये पड़ा था। अब आगे फ्यूल अप करवाएंगे और चलेंगे बुमला पास की तरफ। ये कुछ नया स्टैचू बन रहा है, लग रहा है बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, देखो। वाओ, अब चाइनीज लोग ज़्यादा दे रहे हैं ड्रैगन ड्रैगन बनाकर। तो दोस्तों, नीचे पास चेक हो गया हमारा, जस्ट निकले वहाँ से हम। मैंने वो वीडियो नहीं बनाई आर्मी के, इतना रहता है तो मैं अवॉइड करता हूँ बनाना जनरली। सो वहाँ से निकले हैं। एक इशू हमारे साथ ये है, अब देखते हैं कैसे उसको मैनेज करेंगे, पेट्रोल की इशू। अभी देखो, मेरी जो चल चुकी है 150 किलोमीटर चल गई है। अब 150 किलोमीटर के बाद अब जो रेंज बचती है इसमें, मतलब मैं 10 लीटर के हिसाब से बात करता हूँ, क्योंकि 2 लीटर तो अराउंड छोड़ना ही पड़ता है, 3.5 लीटर की टंकी है। तो मैंने हमेशा 250-260 के ऊपर ले नहीं गया, जब अच्छी माइलेज होती है तब। अभी तो 20-22-23 कुछ ऐसे माइलेज मिल रही है। सो एक बार को थोड़ा सा माइलेज का, मतलब तेल की दिक्कत लग रही है मेरे को, कि तेल कैसे हो पाएगा। मैं अगर लेके चलूँ 100-120 किलोमीटर का रेंज इसमें मैक्स आ सकता है, उसके ऊपर नहीं आएगा। अब यहाँ से 26 किलोमीटर बुमला है, 26 किलोमीटर आना बुमला है, 52 ये हो गया। उसके बाद वहाँ से अपना रंगरूला है, वो 17-34 किलोमीटर है। सो ओवरऑल मतलब 100 किलोमीटर का है, और यहाँ से फिर वापस नीचे जाना, तो मोस्ट प्रोबली काम हो जाना चाहिए 100 किलोमीटर में, 100-120 में। बट वही है, थोड़ा सा मेरे को रिस्की सा लग रहा है, क्योंकि माइलेज का पता नहीं है, ऊपर में माइलेज कितना देगी, कम दे दिया तो बिल्कुल क्लोज कॉल हो जाएगा। हाँ, बस देखना है वाई जंक्शन पे कुछ पेट्रोल मिल जाए, 1-2 लीटर ही मिल जाए, बहुत होगा, मोर देन सफिशेंट होगा मेरे दिमाग की शांति के लिए। बट मैं अगर इसका यूज़ कर लूँ 12 लीटर तक का, जो जनरली मैं नहीं करता, तो 12 × 20 240 का रेंज आता है तब भी, आप सोचो। और 25 से करो इंटू तो 260 किलोमीटर, 280 किलोमीटर के हिसाब से 130 किलोमीटर चलेगी। मैं वही रेंज बता रहा हूँ आपको, 120-130 से आसपास ही टोटल मिलेगी, उसके ऊपर तो मिलना मुश्किल है। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर मेरे को लगा कि नहीं नहीं जा रहा है, तो रंगरूला छोड़ दूंगा मैं, कल करने की कोशिश करूंगा उसको। तो दोस्तों, हमें यहाँ से मिला है पेट्रोल 1-1 लीटर, 2 ही लीटर इनके पास है, तो 1-1 लीटर दिलवा ले रहे हैं, शांति पड़ जाएगी दिमाग को, फिर काम हमारा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इतनी दिक्कत होगी, क्योंकि नीचे से 26, 26, 52 और 34, 17, 17 वहाँ से, तो 52 और 34 आप जोड़ोगे तो 52 और 34 86 किलोमीटर, तो 86 किलोमीटर से कुछ और इधर उधर गए तब भी 100-120 तो हो ही जाता। बट स्टिल हम अपने दिमाग की शांति के लिए 1-1 लीटर और डलवा लेते हैं, काम हो जाएगा अपना। दोस्तों, हम बुमला की तरफ पहुंच रहे हैं। देखो, अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की साइड में बर्फ आनी स्टार्ट हो गई है, फ्रेश स्नो है बिल्कुल, कल रात में गिरी होगी, क्योंकि कल रात बारिश नीचे भी बहुत हुई थी, तो ऊपर भी कह रहे थे हुई है। सो एकदम बिल्कुल फ्रेश स्नो है ये गिरी हुई। शायद पास पे ऊपर थोड़ा हमें और मिले किनारे में खेलने के लिए, तो फिलहाल तो हल्की हल्की बर्फ दिख रही है, बढ़िया। बिल्कुल फ्रेश,
ठंड में ये सब जम जाने हैं। बुमला दोस्तों वो चेक पॉइंट था, वहाँ कैमरा बंद करना था। एक्चुअली मैं वहाँ करता नहीं जैसे मैंने बताया, बट वो ऑन था, ध्यान नहीं रहा, बट उन्होंने ऑफ करवा दिया था। सो वहाँ चेक पॉइंट हो गया, वापस से पास दिखाना पड़ा, और अब यहाँ से कोई चेकिंग नहीं है, सीधा बुमला पास पे पहुँचेंगे। और शानदार नज़ारे यार, आर्मी वालों ने, BRO ने क्या काम किया यार, उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। और वो भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना ने हमारी ऐसी तैसी कर रखी है, नहीं तो अगर वैसी सिचुएशन नहीं होती तो शायद ये सब अनटच्ड ही रहता। किसी को क्या पड़ी है यहाँ पे आके रोड बनाने की, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के चक्कर में है। तो दोस्तों देखो नज़ारे, हल्की हल्की बर्फबारी हुई है, बिल्कुल फ्रेश स्नो, आहा ऊपर खेलने को मिल जाए, थोड़ा थोड़ा खेलेंगे, मस्ती करेंगे। चलो भाई चलो, ये हुई ना बात। एक्चुअली जो नीचे भैया रुके थे, मतलब आर्मी वाले थे सर, उनका एक्चुअली कहना था कि आपका यूट्यूब चैनल है तो आप थोड़ा वीडियो ऊपर बना के, मतलब ऊपर की डालना वहाँ पे चैनल पे, तो हम एक्चुअली घर वालों को दिखाएंगे कि देखो हम जहाँ रहते हैं, जहाँ जाते हैं वो ऐसा है, क्योंकि इनके पास तो यहाँ फ़ोन वोन शायद रहता नहीं है, मना है। तो वो कह रहे हैं आप वीडियो बना के चैनल पे डालना, तो उसको देखेंगे। उन्होंने अपना चैनल का नाम वहाँ भी सब ले लिया, और मैंने कहा ठीक है वीडियो तो हम बनाएंगे ही। बर्फ पड़ी हुई थी रोड पे, ओए बल्ले बल्ले, क्या बात है क्या बात है, मौजा ही मौजा भाई लोग, मौजा ही मौजा। ओए होए होए, वाह बारिश ना हो, बारिश हो जाएगी तो फिर कचड़ा हो जाना है, मेरी तो लंका लग जानी है सिर्फ ग्लव्स और जूते की वजह से। वो चलो कोई नहीं, लेट्स सी। फॉग देखो भाई, फॉग क्लाउड, कुछ दिख नहीं रहा। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो ना जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, 2 किलोमीटर होगा, और रोड पे भी हल्की हल्की बर्फ गिरी पड़ी है। मजे ही मजे। ये देखो दोस्तों ये बर्फ, क्या हुआ निशान भाई को, आ गए। छोटे मोटे टुकड़े, 2 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे तो शायद और बर्फ मिले, कोई भरोसा नहीं है, कहीं पे जमी हुई मिल जाए तो सीट भी मार दें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई लव ट्रैम्पलार, और ट्रैम्पलार पे मुझे पूरा भरोसा है, जांसकार में भी इसने बचाया था आइस के ऊपर, तो यहाँ भी बचाएगी, क्योंकि अभी जो बर्फ होगी वो इतनी जमी हुई नहीं होगी, तो चांसेस यही है कि कुछ नहीं होगा। बट यू नेवर नो। ठंड तो तगड़ी हो गई है एकदम भाई साहब, जबरदस्त वाली ठंड, उंगलियां ना मेरी कट रही हैं। अंदर तो पेपर वेपर मैंने लगा रखा है तो बॉडी में इतनी कुछ नहीं लग रही, बट हाथों की तो बैंड बज रही है उंगलियों की। ये दोस्तों देखो नजारे, थोड़ी बर्फ और गिर जाती तो मजा आता, सारा ढक गया होता। ओरियो बिस्किट खाया दोस्त, ओरियो बिस्किट वही है, ओरियो बिस्किट है ये पहाड़ों की।
ओए होए होए। देखो सैडलिंग कर रहे हैं भाई साहब, अच्छी रोड में भी। ओहो क्या बात है, क्या नजारे हैं, वाह। थोड़े से क्लाउड्स कम होते ना तो व्यू दिखता, बट इट्स ओके। ओए होए ठंडी हवा, माय गॉड ठंड लग रही है भाई। अब मेरे को भी पहनना पड़ेगा स्टड्स के रेन कवर। क्या नजारा है दोस्तों, मेरा भारत महान। फोटो फोटो लेते हैं और चलते हैं, रंग रूला भी जाना है इसके बाद। सो दोस्तों ये है बुमला पास, 15,200 फीट, हल्की बर्फबारी हुई है, अभी स्टार्ट ही हुई है, ज्यादा है नहीं। यहां से आगे आपको जाने नहीं मिलता, दिस इज द लास्ट पॉइंट। और कुछ फोटोज खींच लिए, इसके बाद अब निकलेंगे यहाँ से रंगरूला, एक पास और कंप्लीट। थोड़ा बातचीत करते हैं फिर चलते हैं नीचे। सो दोस्तों बुमला पे स्नोफॉल भी चालू हो गया, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, अगर आप दिख रहा होगा कैमरा में। ओहो क्या बात है, छोटे छोटे टुकड़े, आ जाओ आ जाओ। होय 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 स्नोफॉल के मजे, ठंड भी बढ़ गई है, लोग काफ़ी आए हैं लेकिन यहाँ पे